नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कक्षा 11वीं में कौन सा विषय ले, आर्ट्स ले, आर्ट्स ले, मैथ्स ले, एग्रीकल्चर ले, कॉमर्स ले, है ना, कौन सा सब्जेक्ट ले, फिर मैथ्स ले, फिर बायो ले। तो उस वीडियो पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आप लोगों ने उस पर 1.5 लाख व्यू दिए, उसके लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और वीडियो बनाया जाए। तो आज के ये जो वीडियो, आज के इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं जिन बच्चों ने कक्षा 11वीं में, जिन बच्चों ने कक्षा 11वीं में मैथ्स, MATHS, मैथ्स और बायो, मैथ्स और कौन सा सब्जेक्ट, बायो, मैथ्स और बायो लिया है, है ना लिया है, जिस मतलब कक्षा 11वीं क्लास में, आप लोग कक्षा 10वीं क्लास पास करके आप लोग कक्षा 11वीं क्लास में गए हो, और अगर आपने कक्षा 11वीं में मैथ्स से लिया है और बायो लिया है, तो आप लोगों को कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। और लास्ट में आप लोग को ये भी बताने वाला हूँ कि पूरे यूट्यूब पर मध्य प्रदेश राज्य MP बोर्ड और NCERT बुक CBSE मतलब कक्षा 11वीं की ऑनलाइन लाइव क्लासेस आप कहाँ से पढ़ोगे, रोज 2 घंटे आपको कौन पढ़ाएगा यूट्यूब पर, और किस चैनल पर आप लोग पढ़ोगे, ये भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम ये जानेंगे कक्षा 11वीं में मैथ्स और बायो लेने के कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मेरा कक्षा 10वीं क्लास में, मेरा नाम अमन साहू है और मेरा क्लास 10th, मेरा 10th क्लास में 89% था, 90 मतलब मान लो ना, और क्लास 11th में मैंने मैथ सब्जेक्ट लिया था, और क्लास 11th में मेरा 87% बना था, मैथ्स में मेरे 95 नंबर थे, केमिस्ट्री में 75 में से मुझे 73 अंक मिले थे, और फिजिक्स में मुझे 72 अंक मिले थे 75 में से, ठीक है। और उसके बाद जैसे फिर मैं 12th क्लास में आया तो 12th क्लास में भी मेरा ओनली फॉर मैथ सब्जेक्ट था, मैंने बायो एडिशनल नहीं करवाया, और 12th क्लास की मैथ्स में मेरे 100 में से 97 नंबर आए, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री में मैं टॉपर था, केमिस्ट्री में मुझे 75 में से 70 से ऊपर नंबर मिले हैं, और फिजिक्स है ना, फिजिक्स में मुझे 71 या 72 नंबर मुझे मिले हैं, ठीक है। और मेरा क्लास 12th में समथिंग मेरा 90% के आसपास मेरा यहाँ पर रिजल्ट रहा, MP बोर्ड से मैंने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर आप लोग ने क्लास 10th 11th में अगर आप लोग ने मैथ्स से लिया है, तो आप लोगों को कौन कौन से बेनिफिट होने वाले। तो देखो सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि जो बच्चा ने 11वीं क्लास में मैथ्स लिया है, मैथ्स वाला बच्चा आर्ट्स वाले बच्चे के पूरे कोर्स में जा सकता है, मैथ्स वाला बच्चा कॉमर्स के पूरी 12वीं के बाद कॉमर्स की फील्ड में जा सकता है, मैथ्स वाला बच्चा अन्य जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स की फील्ड में जा सकता है, मैथ्स वाला बच्चा एग्रीकल्चर की फील्ड में जा सकता है, एग्रीकल्चर से BSc कर सकता है, ठीक है। मतलब मैथ्स वाला बंदा अपने तो पूरे काम कर सकता है, लेकिन अपने काम करने के साथ साथ जो अन्य विषय वाले बच्चे होते हैं आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले एग्रीकल्चर वाले, उनकी फील्ड में भी जा सकता है, मैथ्स वाला बायो एडिशनल करवा के 12वीं क्लास में डॉक्टर भी बन सकता है। आर्ट्स वाला बच्चा इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, लेकिन मैथ्स वाला बच्चा आर्ट्स वाली फील्ड के पूरे काम कर सकता है, मैं आप लोग को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पर ही मिलेगा। दूसरी चीज, आप लोग ने जो मैथ्स से ली हो, तो आप लोग को रोज पढ़ना ही पड़ेगा, रोज आप लोग को कम से कम पाँच घंटे की सेल्फ स्टडी, 5 घंटे की सेल्फ स्टडी आप लोग को करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको, अगर आपने मैथ्स से ली हो, तो आपको रोज 1 घंटे केमिस्ट्री समझना पड़ेगा, कोचिंग लगना पड़ेगा ऑनलाइन जहाँ से भी आप पढ़ना चाहो। दूसरा, फिजिक्स आपको 1 घंटे रोज कोचिंग में पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद मैथ्स, तीसरा मैथ्स आपको रोज 1 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फिर इन्हीं सब्जेक्ट का आपको डेली का डेली रिवाइज भी करना पड़ेगा। और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैथ्स की जो बुक होती है बहुत मोटी होती है, यहीं कहीं रखी होगी, फिर मुझे भी मिलने नहीं है। मैथ्स की जो किताब होती है इतनी मोटी मोटी किताब हो, जब आप इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ोगे, तो 12th क्लास में आपने आपके अंदर आपका IQ लेवल जो रहेगा वो कई गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। जिस बच्चे ने आर्ट्स लेकर के पढ़ा है, वो 12th क्लास में उसका दिमाग इतना रहेगा, तो आपका दिमाग बहुत बढ़ जाएगा, आपके सोचने समझने का दायरा आपका बढ़ जाएगा, आपका माइंड बहुत अधिक विकसित होगा, ठीक है। जब आप इतने 10-10 पेज के लंबे सवाल करोगे, जब आप 6-6 पेज लंबे सवाल करोगे, तो आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मैथ्स लेने में आपको बहुत बेनिफिट है। मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन मैं अब 12वीं के बाद में आर्ट्स की फील्ड में चला गया, और संविदा वर्ग 3 का मैंने एग्जाम दिया, टीचर भर्ती वाला, ना
तो मैं बता रहा हूँ मेरे बिना पढ़े 109 अंक आ गए, जबकि कई सारे लोग जो आर्ट्स लेके पढ़े थे उन लोगों ने ना जाने कहाँ कहाँ कोचिंग पढ़े, लेकिन उन 80 से ज़्यादा अंक लेकर के नहीं आ पाए। तो मैथ्स लेने का एक बेनिफिट ये मिलता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम की जब आप तैयारी करोगे तो आपका जो माइंड रहेगा वो बहुत तेज चलेगा, आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग रहेगी, आपकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी और आप किसी फील्ड में जा सकते हो, है ना, क्योंकि मैथ्स लेने वाले बंदे का माइंड बहुत तेज रहता है। अभी तो आपके सामने सिर्फ आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि चाहे कुछ जो है हमको 11th क्लास में हमको 90 से ऊपर परसेंटेज लेकर के आना है, 95 से ऊपर हमको परसेंटेज बनाना है। अब रही बात बच्चों की, अब हम तैयारी कहाँ से करेंगे, अब हम तैयारी कहाँ से करेंगे और YouTube पर हम कहाँ से पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, ये वाला जो चैनल है ना, इस चैनल पर आप लोगों ने मुझे 10वीं क्लास पढ़े हो, अब इस चैनल पर मैं आपको 11वीं क्लास नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये वीडियो आप किस चैनल पर देख रहे हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो भारतीय शेर SHER शेर 10th बोर्ड, भारतीय शेर 10th BOARD बोर्ड, इस चैनल पर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो। आप लोग को 10वीं क्लास में मैंने इस चैनल पर पढ़ाया हूँ, अब आप लोग पास हो गए हो तो कक्षा ग्यारहवीं है ना, मैथ्स, जिन बच्चों ने मैथ्स से लिया है और जिन बच्चों ने बायो सब्जेक्ट लिया है उन बच्चों के लिए मैंने एक अलग चैनल ओपन किया हूँ और उस चैनल पर मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूँ। केमिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे और जस्ट अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हो आपको तुरंत लाइव मिलेगा। और उस चैनल कक्षा 11वीं साइंस वाले चैनल का नाम है भारतीय BHARTIYA भारतीय शेर SHER शेर 11th, भारतीय शेर 11th साइंस SCIENC साइंस। जैसे ही आप YouTube पर सर्च करोगे लिख करके भारतीय शेर 11 साइंस तो आप लोग को चैनल मिल जाएगा भारतीय शेर 11 साइंस, उस पर आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे 11वीं क्लास की केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स के। तो ठीक है बच्चों, अब मैं जाता हूँ, समय हो गया, अब 11वीं क्लास में लाइव आकर के पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, अब उसी चैनल पर मैं लाइव जाकर के पढ़ाने वाला हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।